चारू नमस्ते दीदी, मयंक जी कहाँ है? अरे रुको, मयंक की पूछ, जब देखो मूठा की यहाँ चली आती है। ऐसे करने से मना किया था ना हमने? दीदी आपको नहीं पता, मयंक जी हमसे नाराज है, हमारा फोन तक नहीं उठा रहे हैं। आज हमारा जॉगिंग पे जाने का प्लान था पर उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। हे भगवान, इस बार क्या कर डाला? हमने कुछ नहीं किया दीदी। अब हमें मत बनाओ, सच सच बोल। मैंने मना किया था ना आने को। मयंक जी हमें माफ कर दीजिए, हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आगे से कभी ऐसी बात नहीं करेंगे, हम कभी आपके बीच में नहीं भूलेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना मयंक जी। नहीं, इस गलती के लिए कभी नहीं। जब तक आप हमें माफ नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। चलिए ना जॉगिंग पे चलते हैं। देखो चारू, ये रोना वोना बंद करो और अंदर चलो, बैठ कर आराम से बात करते हैं। आओ। नहीं, हम कब से आपको सॉरी सॉरी कहे जा रहे हैं, स्टिल आप हमें स्कोल्ड पे स्कोल्ड किए जा रहे हैं। मयंक, ये क्या? चारू कब से तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, तुम चुप खड़े हो बेटा? देखो मयंक, चारू इस घर की होने वाली बहू है और इसके साथ इस तरह का सुलूक नहीं किया जा सकता। गलती चाहे किसी की भी हो, एक साथ बैठकर शांति से प्यार से सुलझाया जा सकता है। ऐसे बेरुखी से पेश आने की जरूरत नहीं है बेटा, चलो माफ कर दो इसे। हाँ मयंक, अब माफ भी कर दो और चलो जॉगिंग के लिए जा। हाँ? जॉगिंग? तुम दोनों जॉगिंग जा रहे हो? जी ताई जी, हम लोग जॉगिंग जाने वाले थे लेकिन ये हमसे नाराज हो गए और फिर इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया।